आप सबका इस्तकबाल है ES न्यूज़ नेटवर्क पर। नाजरीन, आज में 6 के खबरनामा पर नजर डालते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, वजीर आला KCR ने ऐलान किया कि तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन नहीं होगा। लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की आज मौत हो गई। GHMC ने आवाम को 1,00,000 होम आइसोलेशन किट्स देने का ऐलान किया। कोरोना वबा की दूसरी लहर की वजह से तेलंगाना रियासत में मुर्गी की कीमत गिर गई, जिस वजह से पोल्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। हैदराबाद में मच्छरों की कमी नहीं, एक तो लोग कोविड की वजह से परेशान हाल है और दूसरी तरफ मच्छरों की वजह से लोगों को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों में मुतला होना पड़ रहा है। GHMC मेयर को चाहिए कि इन मच्छरों का सफाया करे। आज असम में जलजला महसूस पाया गया। श्रीलंका ने इंडिया से आने वाले यात्रियों पर बैन लगा दिया। गायक अरिजीत सिंह की वालिदा तबीयत खराब होने की वजह से कोलकाता के अस्पताल में हैं। असम टी एस्टेट में 90 मजदूर हुए कोरोना पॉजिटिव। हिंदुस्तान में आज 4,00,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं और 3,980 लोगों की मौत हुई है। उप्पल में गाड़ी बिजली के खंभे से टकराकर 2 लोगों की मौत हो गई। ऐसे ही और अहम खबरों के लिए हमारे चैनल AS न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।